नेक्स्ट लाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। महाराष्ट्र में अभी तमाम मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं। सबसे पहले दशहरा रैली को लेकर, फिर उसके बाद दिवाली आयोजन को लेकर, और अब जो मामला है वो संजय राउत को लेकर गरमाया हुआ है। आपको हम बताते चले कि पात्राचोल घोटाले के मामले में संजय राउत को जेल हो गई थी, लेकिन बीते कल उन्हें जमानत हो गई। अब उसके बाद से जो महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बयानबाजियाँ की जा रही है। हम आपको बताते चले कि संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। अब उन्होंने कहा है कि अब असली लड़ाई शुरू हुई है। आपको हम बताते चले उन्होंने शिवसेना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। शिवसेना को लेकर भी दो धड़े बटे हुए हैं, एक तरफ है एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। दोनों की तरफ से यही दावे किए जा रहे कि वही असली शिव सैनिक है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम कार्यवाही हुई, तमाम सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गेंद थी वो चुनाव आयोग के पाले में डाल दी। कहा कि चुनाव आयोग ही अब इस मामले पर अपनी सुनवाई करेगा। आपको हम बताते चले कि चुनाव आयोग ने बिना किसी सुनवाई के बड़ा फैसला लिया कि शिवसेना के नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। अब ऐसे में देखना 29 नवंबर को दिलचस्प होगा, क्योंकि 29 नवंबर की तारीख एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि 29 नवंबर को फैसला आना है कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी, क्योंकि शिवसेना को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि बालासाहेब ठाकरे की जो विचारधारा है उसे हम, यानी कि एकनाथ शिंदे, आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही उद्धव ठाकरे लगातार यही चीज कहते हैं कि वही, यानी कि बालासाहेब ठाकरे की वो औलाद है और उन्हीं की शिवसेना है, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे ने ही शिवसेना का गठन किया था। 29 नवंबर को पता चलेगा कि आखिरकार किसकी शिवसेना हुई, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से जो बड़े बयान दिए जा रहे हैं उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से अपना मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।